2014 से पहले अडानी कुछ ही क्षेत्रों में उनका कारोबार होता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए, लगभग ऐसा लगता है कि पूरा देश आज अडानी को सौंप दिया गया है। चाहे आप पेट्रोल की बात करें या कोयला की बात करें, बिजली की बात करें, हाईवे की बात करें, पोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, सब अडानी को बेचा जा रहा है। जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में घूमते हैं, उनके आने के बाद अडानी को एक नया ग्रुप, एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ऐसा क्या खास बात है अडानी ग्रुप में जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं इतनी वकालत करते हैं? ऐसा क्या खास बात है अडानी ग्रुप में जिसको आज जेपीसी प्रोब से बचाने के लिए एक के बाद एक बीजेपी मंत्री आज तैनात हो गए हैं? माना ऐसा लगता है कि ये भाजपा सरकार जनता की समस्याओं को भूल चुकी है, बेरोजगारी की समस्याओं को भूल चुकी है, आज इन्फ्लेशन की समस्याओं को भूल चुकी है, महंगाई की समस्याओं को भूल चुकी है और सिर्फ जुटी हुई है अडानी को जेपीसी से बचाने की।